नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल टेक्निकल अर्स में। दोस्तों आपको मालूम है कि दिन भर स्पेस डिफेंस के गलियारे में क्या हलचल चल रही है, मैं एक एक करके आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं, तो चलिए मेरे साथ बने रहेगा, शुरू करते हैं। दूसरे यहाँ पे सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो केंद्रीय गृह मंत्रालय और सीआरपीएफ को लेकर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए 40,000 से अधिक बुलेट प्रूफ जैकेटों और सैन्य टुकड़ियों को ले जाने वाले 170 बख्तरबंद वाहनों की खरीद को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने कहा कि सीआरपीएफ ने कश्मीर में अपने जवानों को गोलाबारी, ग्रेनेड हमलों एवं पत्थरबाजी की घटनाओं से सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए करीबन 80 मारुति जिप्सी वाहनों को दोबारा तैयार किया है और उन पर इन हमलों से हिफाजत करने में सक्षम परत भी चढ़ाई गई है। एक अधिकारी ने बताया कि बुलेट प्रूफ मध्यम आकार के कुल 176 वाहनों की खरीद की मंजूरी दे दी गई है और इनमें से हर एक वाहन में 5 से 6 जवान बैठ सकते हैं। ये वाहन हर तरीके के हमले झेलने में सक्षम है। आपको बता दें कि ये वाहन कश्मीर घाटी में आतंकरोधी एवं विभिन्न राज्यों में नक्सल विरोधी अभियानों के लिए तैनात सीआरपीएफ की यूनिटों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने अपनी आधुनिकीकरण योजना के तहत देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल के लिए करीबन 42,000 हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट की खरीद की अनुमति दे दी है। इनका वजन वर्तमान में इस्तेमाल हो रही बुलेट प्रूफ जैकेट से 40% कम है। पुरानी जैकेट का वजन करीबन 7 से 8 किलोग्राम होता है। दोस्तों आप अगली खबर की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान को लेकर आ रही है। भारत जबरदस्त पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब यहां पर दे रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने भारत की सेना और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की। किरनी से बालाकोट तक 100 किलोमीटर से लंबी नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना ने नापाक हरकतों को अंजाम दिया। भारतीय सेना की ओर से की गई कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, उसकी कई चौकियां तबाह हो गई है। पाकिस्तानी सेना के 6 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अगली खबर लद्दाख को लेकर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच मई के महीने की शुरुआत से जारी तनाव अब तक थम नहीं रहा है। लद्दाख के पास जारी विवाद अभी भी बढ़ रहा है। अब खबर ये मिली है कि चीनी सेना ईस्टर्न लद्दाख के पास अपने लड़ाकू विमानों को उड़ा रही है, लेकिन भारत की ओर से चीन की हर चाल पर पैनी नजर रखी जा रही है। ईस्टर्न लद्दाख के पास होतान गरगुंसा के पास चीनी सेना पीएलए की एयरफोर्स का बेस है, जहां पर चीनी फाइटर प्लेन्स भी तैनात है। भारतीय खुफिया एजेंसियां अब सर्विलांस की मदद से इस इलाके में पूरी तरह से नजर गढ़ाए हुए हैं। डिफेंस सोर्सेज की माने तो चीनी आर्मी ने करीबन 10 से 12 J-17 लड़ाकू विमान तैनात किए हैं, जो कि भारतीय सीमा के करीब 30 किलोमीटर के अंदर उड़ान भर रहे हैं। हालांकि बॉर्डर पर जो दूरी है वो चिंता की बात नहीं है, लेकिन भारत की तरफ से किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जा रहा है। चीन की किसी भी चाल से निपटने के लिए भारत ने मई की शुरुआत में ही ईस्टर्न लद्दाख में अपने एयरबेस पर सेना के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान भेज दिए थे। एक वक्त था कि जब भारत और चीन के हेलीकॉप्टर आमने सामने भी आ गए थे। ईस्टर्न लद्दाख के उस पार बना होतान एयरबेस भारत की नजरों में है और पिछले एक साल में इस पर पैनी निगाहें हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सेना भी यहां चीन के साथ मिलकर प्रैक्टिस कर रही थी। सूत्रों के अनुसार पिछले साल 6 पाकिस्तानी J-17 स्कर्दू एयरफील्ड में आए, तब भारत ने इस पर पूरी नजर बनाए रखी थी। भारत की ओर से लगातार लद्दाख के बॉर्डर पर पैनी नजर रखी जा रही है और उस पार चीन की हरकतों को देखने के लिए यूएवी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि चीन की किसी भी तरह की चाल की पहचान की जा सके। भारत की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि भारत तनाव नहीं चाहता है, ऐसे में दोनों देश बातचीत से इस मसले को सुलझाने में जुटे हैं। यहाँ पे अगली खबर दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख को ही लेकर आ रही है। आपको बता दें कि चीन की तरफ से शांति और स्थिरता की जो झूठी बातें कही जा रही हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर, वो झूठी हो रही हैं। दूसरी ओर वो अपने लड़ाकू विमानों को भारतीय सीमा पर भेज रहा है। आपको बता दें कि आसमान में भारत का तेजस और Sukhoi-30 इसी फिराक में रहते हैं कि चीन के जहाज अगर गलती करे तो उनका भुगतान उन्हें उसी वक्त करा दिया जाए, लेकिन चाइनीज जेट तेजस और Sukhoi-30 MKU को देखते ही भाग खड़े हुए। आपको बता दें कि चीन ने अभी भारत के सीमा के पास करीबन 30 किलोमीटर के अंदर अपने फाइटर जेट्स को उड़ाया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी है। लेकिन आपको बता दें कि भारत ने भी उसी दौरान तेजस और Sukhoi-30 MKI को भी आसमान में उतार लिया, जिसकी वजह से चीन के दोनों जहाज वापस अपने एयरबेस पर लौट गए। यानी कि तनातनी तो बढ़ी हुई है और यहाँ पर चीन की आदत है कि यहाँ पे डोमिनेट करने की, लेकिन चीन का जवाब देने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि वो जो चीज वहाँ पे अप्लाई करता है, चाहे वो आर्मी की डिप्लॉयमेंट हो या फिर वो अपना वहाँ पर रुतबा दिखाता हो अपनी एयरफोर्स का, सेम टू सेम भारत को भी वहाँ पर ऐसा ही करना होगा। जिस तरीके से अभी भारत के तेजस और सुखोई ने इनके दोनों जहाजों को वापस एयरफील्ड पर लौटने के लिए मजबूर कर दिया, यानी कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत अपना दबदबा यहाँ पर बना के रखा हुआ है और चीन की हर वो कोशिश जो कि वो भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश कर रहा है, उसको भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना दोनों मिलकर नाकाम करने पर लगी हुई है। अगली खबर की बात करते हैं तो अमेरिका और भारत को लेकर आ रही है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन से बहुत ज्यादा नाराज हैं और वे चीन को घेरने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में G7 में भारत, रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की योजना बना रहे हैं। दुनिया की 7 बड़ी आर्थिक शक्तियों के संगठन G7 के शिखर सम्मेलन को ट्रंप ने सितंबर तक के लिए टाल दिया है। हालांकि अमेरिका के इस प्रस्ताव को लेकर ब्रिटेन पूरी तरह से सहमत नहीं है। ब्रिटेन G7 को G10 में बदलना चाहता है, जिसमें अन्य 3 देशों से उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो रूस को अलग रखना चाहता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात जानना जरूरी है कि अमेरिका भारत के लिए क्यों जरूरी हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये बात कह चुके हैं कि चीन की घेराबंदी करने के लिए अमेरिका को अपने सबसे बड़े सहयोगी भारत की जरूरत है। अमेरिका और चीन के मध्य दूरी के कारण उसे ऐसे सहयोगी की जरूरत है जो कि चीन की सीमाओं के निकट हो। ऐसे में भारत से मजबूत और कोई बड़ा देश नहीं है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने भारत के साथ रिश्तों को नई ऊंचाइयां दी है। अमेरिका ने स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों को भारत को मुहैया कराया है, साथ ही खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान भी भारत के साथ बढ़ रहा है। दुश्मन ही दुश्मन का दोस्त होता है, ये बात तो आप सबको मालूम है। भारत और अमेरिका के रिश्ते कई और कारणों के साथ इसलिए भी बेहतर हुए हैं क्योंकि चीन की बढ़ती आक्रामकता भारत के साथ ही अमेरिका के लिए भी चिंता का विषय है। वहीं ऑस्ट्रेलिया को भी कई बार चीन आंखें दिखा चुका है। सीमा पर भारत और चीन के बीच बढ़ता तनाव भी अमेरिका और भारत के साथ आने के लिए कह रहा है। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि G7 को द ग्रुप ऑफ 7 एक आर्थिक संगठन कहा जाता है, जिसमें दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि भारत को G7 में न्योता देना एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और एक बहुत बड़ा सहयोग भी है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका चीन को सबक सिखाने के लिए भारत को सबसे मजबूत दावेदार के रूप में देख रहा है, और ऐसे में अब भारत के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ी बात होगी कि अगर अमेरिका और G7 के जो देश है उनका सपोर्ट भारत को मिलता है तो चीन जो सीमा पर टेंशन क्रिएट किए हुए है वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि एक साथ अगर ये देश आ जाएंगे तो शायद चीन की चिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। बहरहाल आपका क्या कहना है इस बारे में आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगली खबर की बात करते हैं तो HAL को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि HAL इस साल के अंत तक तेजस फाइटर जेट के लिए तीसरी प्रोडक्शन लाइन को स्थापित कर रहा है, जिसका इस्तेमाल 18 ट्विन सीटर LCA तेजस ट्रेनर वेरिएंट के निर्माण के लिए किया जाएगा, जो कि एयर ट्रेनर का हिस्सा है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना पहले ही तेजस MK1 के अनुबंध के तहत 10 अतिरिक्त आदेश तेजस MK1 के लिए रखे गए हैं। तेजस फाइटर जेट के लिए तीसरी असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए नेककुंडी के पास 30,000 वर्ग मीटर भूमि का इस्तेमाल HAL करेगा, जो कि असेंबली हैंगर, प्रोसेस शॉप और शीट मेटल शॉप से लैस होगा। पहली उत्पादन इकाई 5 जेट का निर्माण कर सकती है और फिर उसको दूसरी प्रोडक्शन लाइन में बदला जा सकता है और हर साल 3 विमान का उत्पादन करने में ये सक्षम होगी। लेकिन तीसरी उत्पादन जो लाइन है, यानी कि थर्ड प्रोडक्शन लाइन है, वो 2021 से 2022 में हर साल 8 जेट का निर्माण कर सकती है और पहले ट्विन सीटर LCA तेजस ट्रेनर्स संस्करण को नवंबर 2021 में रोल भी किया जाना है। HAL ने अपनी नासिक यूनिट में चौथी तेजस उत्पादन लाइन करने के लिए भी पेशकश की है, यानी कि 2023 तक तेजस MK1 के उत्पादन को 20 विमानों तक ले जाया जा सकता है, और अगर चौथी लाइन यानी कि चौथी प्रोडक्शन लाइन शुरू हो जाती है यानी सक्रिय हो जाती है 2023 तक, इससे भारतीय वायुसेना को और ज्यादा जल्दी से तेजस फाइटर जेट्स मिलेंगे, जिनका उपयोग निकट भविष्य में MWF तेजस MK2 के उत्पादन लाइन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली खबर की बात करते हैं तो भारत और ऑस्ट्रेलिया को लेकर आ रही है, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मार्च के महीने में शिखर बैठक होने वाली थी, लेकिन पहले तो ऑस्ट्रेलिया में जंगली आग लगी, उसके बाद कोरोना महामारी, जिसकी वजह से वहां के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भारत का दौरा नहीं कर पाए। कोरोना महामारी की वजह से उनके आवागमन पर रोक लग गई, जिसकी वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों की जो मीटिंग थी वो कैंसिल होगी, लेकिन अब वर्चुअल समिट दोनों देशों ने करने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया भारत शिखर बैठक के दौरान दोनों देश अपनी रक्षा और सामरिक सहयोग को गहरा करने के लिए नए कदम उठाएंगे। इसमें दोनों देशों के बीच परस्पर लॉजिस्टिक सपोर्ट और एग्रीमेंट पर दस्तखत शामिल है। उच्चायुक्त ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते सागरीय सुरक्षा में बढ़ते सहयोग की वजह से इस तरह के समुद्री सहयोग का समझौता काफी अहम साबित होगा। आपको बता दें कि दोनों देश अब नियमित तौर पर साझा नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं, ताकि हिंद महासागर की सुरक्षा और स्थिरता में दोनों देश बेहतर ढंग से तालमेल कर सके। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत के दौरान हिंद प्रशांत इलाके में आपसी हितों के मसलों पर भी चर्चा होगी। दोनों देश संवेदनशील खनिज सप्लाई की चेन बनाए रखने के लिए भी आपसी सहयोग पर बातचीत करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों खनिज सप्लाई के लिए काफी हद तक चीन पर निर्भर हैं। दोनों देश इस सप्लाई चेन का विकल्प तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें भारतीय उद्योगों की अहम भूमिका होगी।
अहम भूमिका होगी। दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये समझने वाली कि भारत और ऑस्ट्रेलिया आखिर एक साथ आ रहे हैं, जिसकी वजह है चीन, क्योंकि हिंद महासागर पर ऑस्ट्रेलिया भी नहीं चाहता है कि चीन का किसी भी तरीके का प्रभुत्व वहाँ पर बन सके। यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो ये रक्षा समझौते हैं और लॉजिस्टिक सपोर्ट है, ये बहुत बड़ा आगे गेम चेंजर होने वाला है। और दोनों देशों की नौसेनाओं के द्वारा जो संयुक्त रूप से प्रैक्टिस की जा रही है और की भी जाएगी आने वाले टाइम पे, वो चीन को आईना दिखाने वाली बात है। यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध और ज्यादा मजबूत होने की कगार पर है, जो कि एक सीधी सीधी चुनौती देते हैं चीन को। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।